तो सब भाइयों को नमस्ते है, जय वाल्मीकि। सब भाई कैसे हैं अपने? आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर ही होंगे, बट किसी का मन नहीं लग रहा होगा इस टाइम पे। घर में रह रहे के बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं हो रहा होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे तो इतना पता है कि फीलिंग बहुत ज़रूरी है समझना सब दोस्तों की। तो फीलिंग इतना तो समझ में आ रही है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं। तो जो लोग ज़्यादा परेशान हो चुके हो, कमेंट में आके ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए कि क्या लग रहा है, मतलब आपको घर रह रहे के क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ नया सीखा है आपने घर पे रह रहे के। मुद्दा बहुत बड़ा है, बातें भी बहुत बड़ी होंगी। ये जो मुद्दा है अभी का, मदनगीर, तिगड़ी, संगम बिहार, खानपुर, देवली, इन सब में कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये हमारे नियर बाई भी आ चुके हैं। कल भी एक न्यूज़ देख रहा था मैं, न्यूज़ क्या उसमें दिखाया, 6 बंदे देवली एक्सटेंशन में पकड़े गए, 2 केस मदनगिरी में भी पकड़े जा चुके हैं, 3 केस दक्षिणपुरी में भी जा चुके हैं पकड़े। ठीक है, तो समझ सकते हैं दक्षिणपुरी, मदनगिरी प्लस देवली, 3 जगह तो ये वायरस आ चुका है। अब किसका घर सुरक्षित है? समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक होती है यार। आपसे घर में नहीं रहा जाता क्या? ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो घर से बाहर घूम रहे होते हैं बेफजूल में। काम धाम कुछ नहीं है, 1 रुपये का काम नहीं है, और खामा खा रोड पे घूम रहे हैं। ना मास्क पहन रखा है, ना कुछ पहन रखा है, ग्लव्स वगैरह, ना हाथ धोते हैं, एम ही सबको टच किए जा रहे हैं। एक बंदे के अंदर वायरस है ना, तो वो कम से कम नहीं 50 से 100 बंदों को संक्रमित कर सकता है। 100 बंदों को वायरस से संक्रमित कर सकता है वो। ऊपर ऊपर से चमका के कोई फायदा नहीं है, चमकाना है तो हमें अपने हाथ चमकाने हैं, ये धोते रहना है। समझे ना मेरी बात? नॉर्मली साबुन, किसी भी तरीके का डिटोल साबुन कुछ तो होगा आपके घर में। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ये जो ये इस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, पालन ही नहीं कर रहे, ना नहाते, ना हाथ धोते, ना कुछ करते, बस सो पे, सुबह सुबह सो के उठे, थोड़ा बहुत मुंह पे डेंटिंग पेंटिंग करा, घूमने फिरने निकल गए, सबको संक्रमित कर रहे हैं। अगर उनको गलती से भी 1% कोरोना वायरस के लक्षण है तो सबको संक्रमित करते डोल रहे हैं बस। भाइयों, कभी सोचा है? आप तो फिर भी यार खुले में रह रहे हो, अपने घर में जैसे मर्जी रह तो रहे हो। आपको ये पता है कि एक आर्मी मैन जो होता है ना, वो एक राइफल को लेके 12 घंटे तक एक ही जगह पे खड़ा रहता है। 12 घंटे एक जगह पे एक राइफल पे, ऊपर से बर्फ पड़ रही होती है ना, तो वो ऐसे करके खड़ा होता है। गर्मी के थपेड़े लग रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे करके खड़ा रहता है। बारिश हो रही होती है ना, तो वो ऐसे करके खड़ा रहता है। एक राइफल को लेके इतनी देर, 12 घंटे की नौकरी खड़े खड़े करना, कर लोगे आप? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके अंदर सहने की शक्ति है जो आपके और हमारे अंदर नहीं है। जब यार आपकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, डॉक्टर, ठीक है, सफाई कर्मचारी, जो इस टाइम पे हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी तो सोचो कुछ। पागल थोड़ी ना है आपके लिए लगे हुए हैं, वो हमारे लिए लगे हुए हैं, उनको भी तो अपनी जान की परवाह होनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं, तो यार उनकी जो मेहनत है ना, उस पर पानी मत फेरो प्लीज़ यार। अपने घरों में रहो, और ये पूरी इंडिया के लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज़ यार अपने घर में रहो। मैं भी अपने घर में रह रहा हूँ, मेरा भी टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में लगा हुआ हूँ, तो टाइम पास थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता जा रहा है। ठीक है, करो कैसे भी करके टाइम पास करो, लेकिन अपने घर में रहो प्लीज़, रिक्वेस्ट है यार।
मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, किसी न किसी चीज में लगे रहोगे ना तो अपना आप टाइम पास होने लग जाएगा। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ना आपके लिए, तो ये टाइम पास हो रहा है मेरा, इससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है मेरी, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर शेयर जरूर कर देना, लाइक मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना। मैं मदनगिरी में रहता हूँ, दच्छनपुरी, तिगड़ी, संगम्बे और खानपुर, इन नियर बाई के जितने लोग हैं उन सब के लिए खासकर एक मैसेज है, प्लीज़ यार अपने घर में रहो। जैसे भी रहो अपने घर में रहोगे ना तो ये कोरोना वायरस आपको लग नहीं सकता, लेकिन आप अपने घर से बाहर घूमोगे ना तो कोरोना क्या पता नहीं कितनी बीमारियां लग जाएंगी। तो कोशिश करो अपने घर में रहो, घर में रहो और घर में रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।